मुखबरी ना कर जोरा जोरी। सुबह सुबह हम लोग पहुंच चुके हैं ऑटोमोबाइल्स फिर से, क्योंकि एनएस का थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम था, एक दो फ्लॉज थे जो कि सही कराना था, इसीलिए आए थे यहाँ पे। और गाड़ी अभी सर्विस के लिए चल गया है, सुबह व्लॉग नहीं कर सके, सो चलिए आपको आगे और दो तीन काम है सब दिखाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अभी पेट पूजा का टाइम है, नाश्ता पानी और तैयार। हम लोग ऐसे थे, छोटा बच्चा जुड़ चुका है ये बहुत देर वेट कराया भाई सुबह को। कितना देर भाई, कितना देर? ऑलमोस्ट एक घंटा, पांच मिनट मत बोलो। पांच मिनट का मालूम पता है बाबू तुमको? खाओ। चलो अभी छोटा बच्चा, उसको नहीं मालूम है, बाद में उसको समझा देंगे थोड़ा देर बाद। सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गए थे, इंट्रो देना ही भूल गए थे, और उससे बड़ा बात जो है पूरा ऑलमोस्ट एक महीना बाद हम आज कैमरा फेस कर रहा हूँ यार, तो फिर से कैसा टाइप का एक ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बिजी था बेसिकली मैं। और यहाँ पे खाना पीना सब हो चुका है, और खाना का टेस्ट बस ओके बहुत अच्छा नहीं था। और फिर यहाँ से अभी निकलेंगे, निकल के अभी इंजन ऑयल लाना है गाड़ी का, फिर इंजन ऑयल खरीद के शोरूम में देना है, और उसके बाद फिर देखते हैं गाड़ी कब तक कंप्लीट होता है गाड़ी का काम, और तब तक और एक दो काम है वो सब निपटा के आप लोगों को दिखाएंगे, साथ ले चलेंगे आज से, फिर से सोचे फुल प्लेज यूट्यूब शुरू कर देंगे फिर से। चलिए चलते हैं। यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ आज का, और ब्रेकफास्ट का रिव्यू गाइज कैसा खाना पीना था गाइज? अच्छा भी, बहुत खराब भी। बोले तो चलिए चलते हैं। इसका पीछे का टायर में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, वो भी देखना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। तो गाइस पिछला दुकान में तो मिला नहीं 1.25 लीटर वाला, सो अभी यहाँ पे आ गए हम लोग मॉडर्न स्पेयर पार्ट्स, देवुदा सजेस्ट किया था, और यहाँ पे देख ही सकते हो 7100 का 1.25 लीटर एग्जैक्ट मिल गया यार। और ये भी कराएगा कल सर्विस अपना बाइक का, इसीलिए एक साथ में लगाया, दो ले लिए एक साथ। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सोसाइटी टायर्स में, और जैसा कि देख सकते हो ये कुछ दिन पहले टायर चेंज करा के गया था, लेकिन यहाँ पे एक टायर में कट लग गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसीलिए टायर अभी रिप्लेस होगा, वारंटी पीरियड के अंदर है। और फ्रंट टायर भी इसका ऑलमोस्ट गंजा हो चुका है, तो इसका फ्रंट टायर भी अभी चेंज होगा, फिर ये वाला ऑलमोस्ट प्लेन है यार। सोच रहे भैया से बात हुआ, और भैया बोले कि वो टायर में जो कट है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नया टायर है यार, थोड़ा सा भी फ्लॉ रहता है तो ख़राब लगता है, इसीलिए टायर को अभी रिप्लेस करा रहे हम लोग, वारंटी के अंदर ही रिप्लेस हो रहा है। और बेसिकली अभी टायर का काम शुरू होगा, फिर फ्रंट टायर उसको भी चेंज कराना है, सो चलिए आप लोगों को, और टायर चेंज का प्रोसेस क्या ही लिखा है सबको मालूम ही है, सबका ही सब बाइक चलाते ही है और सबको टायर का प्रोसेस मालूम ही है क्या होता है नहीं होता है। सो चलिए फिर यहाँ से टायर चेंज करा के उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। देख ही सकते हो हाथ से कुछ मैनुअल करने का कुछ नहीं है, जो है मशीन से फिटिंग होगा और मशीन से ही खुलेगा। रेयर टायर चेंज हो चुका है, और सेफ 500 में यहाँ पे मिशलिन का पायलट स्ट्रीट 140/60 R17 का टायर आपको मिल रहा है, और क्या ही चाहिए बोलो यार। तो अभी फ्रंट टायर चेंज हो रहा है, और फ्रंट टायर का काम अभी वहाँ पे खोल रहा है फ्रंट टायर, फिर नया लगेगा वो, उसके बाद यहाँ पे काम खत्म, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस रेयर टायर फिट हो चुका है, और रेयर टायर लगा है मिशलिन का पायलट स्ट्रीट 2/140 सेक्शन का लगा है, और सामने में सेम मिशलिन का पायलट स्ट्रीट 2 ही लगा है, और वो 100 सेक्शन का टायर है। फ्रंट वाला टायर यार ऐसे पुराना वाला ख़राब हो गया था, इसलिए नया वाला फिर इंस्टॉल किया, और पीछे वाला जो टायर था उसमें कट आ गया था, जो कि मतलब बोल रहे कि कॉमन है, लेकिन फिर भी मिशलिन का जो पॉलिसीज है उससे हम लोग का भैया जो है सोसाइटी टायर्स के, वो चेंज करके फिर नया टायर दिए। और इट इज़ रिकमेंडेड कि हमेशा जब भी टायर चेंज करो बाइक का, तब पेयर में ही चेंज करना चाहिए, दोनों ही चेंज करना चाहिए। सो वट एवर इट बी, दोनों काम हो गया है, सो वर्क डन परफेक्ट। अभी घाई घाई में निकल चुका हूँ,
ऑटोमोबाइल्स के और यार एक कॉल आया था मतलब ऑटोमोबाइल्स से और उपदा कॉल किया था, कॉल करके बोला कि यार जल्दी जल्दी शोरूम आ जाओ सर्विस सेंटर, मतलब बाइक का डिलीवरी के लिए नहीं, मतलब डिलीवरी इन द सेंस वेन हम जैसे सर्विसिंग में गई है इसीलिए। सो उसका मतलब काम हो गया उसलिए नहीं बोल रहे, कुछ इशू आया है सो इशू के रिगार्डिंग कुछ बात करना है, जिस वजह से पर्सनली शोरूम में बुलाया कॉल करके, ऐसा नहीं है कि फ़ोन में मैटर सॉर्ट हो जाएगा। तो यार टेंशन तो अभी है क्योंकि बाइक को कुछ होना मतलब यार दिल में चोट लगने का तरह है। सो चलते हैं अभी शोरूम के और फिर जा करके आप लोग से शेयर करते हैं कि क्या दिक्कत हुआ फिर वेनम में। चलिए चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कल एक बहुत ही मतलब सैड वाला हादसा हो गया था मेरे बाइक के साथ, जिस वजह से मुझे NS सेल करना पड़ा। सो बहुत ही ख़राब लगा यार, मतलब एक अंदर से ख़राब टाइप का फीलिंग आया, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके पीछे आप लोग बोर्ड देख ही सकते हो, जल नहीं रहा है यार थोड़ा सा भी। सो एक बोर्ड आप लोग देख ही सकते हो, वहाँ पर आया था बाइक लेने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा बाइक हम लोग लेते हैं। गाइस अभी अंदर चलते हैं और पूरा पंटल लोग इधर है। देखो गाइस, देखो भाई मेरा बाइक अभी रेडी हो रहा है गाइस, अब तो सुबह से कुछ खाए नहीं। देखो मुट्ठू क्या था, क्या था ये मुट्ठू मुट्ठू। अरे देखो हम लोग का नेताजी नेताजी। अरे देखो पूछा कोई तुमसे, मेरा मुंह सूख गया है सुबह से, मतलब खाना पीना नहीं हुआ है, पूरा मुंह तो सूख गया। गाड़ी ले लेकर जो एक्साइटमेंट है वो हाई लेवल में है। एक खाना पर देखिए स्वेटर भी नहीं है, ये जो है इसका है तो मैं उससे लेके ये पहन रहा हूं। ये जो स्वेटर है ये इसका नहीं है, ये और किसी का है, ये उससे चोरी किया है और उससे आज ये चोरी कर लिया। तो क्या किया, झाप लिया झाप लिया झाप लिया। सो गाइस देखते हैं अभी कौन सा बाइक, थोड़ा सा दो मिनट का सस्पेंस, कौन सा बाइक अभी लेना है ये कि वो, फिर इतना सारा है। अरे देखो ये हम लोग का पुदीना है सिनू भाई। गाइस ये हम लोग का पुदीना है, नया बाइक हम लोग का, सिर्फ मेरा नहीं हम लोग का। तो चलिए इसको फर्स्ट सेल देंगे अभी। ये छूट गया था।